टीम ऑफ टग ऑफ वॉर टू कम ओवर हियर, आपका सत्कार किया जाएगा। यस मैडम की स्पेशल डिमांड है, ये टूर्नामेंट को जो स्पॉन्सर किया अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन, तो हम दो दिन से अर्शिया का नाम सुन रहे हैं, अर्शिया भी हमारे बीच में मौजूद है। अर्शिया यू हैव टू कम हियर, अर्शिया के शुभ हाथों से इन बच्चों का प्रोत्साहन किया जाएगा। बच्चों लोग थोड़ी सी आवाज आना चाहिए, आप लोगों ने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। यस दिस इज द स्पिरिट, तो कांग्रेचुलेशन अंडर 19 गर्ल्स फॉर विनिंग ब्रॉन्ज मेडल। आपकी कैप्टन कैप्टन को प्लीज यहां पर आना है, कैप्टन आपका सत्कार यहां पर शिया के शुभातों से किया जाएगा। अर्शिया आप लोग को आपका नाम बताना है। मोहम्मद जैद काजी, ये है मास्टरमाइंड, ये है वो चक दे इंडिया के शाहरुख खान इस गर्ल्स टीम के। यस एक बार तालियां, तो थैंक यू वेरी मच। एक बार आपको सभी को अपना नाम बताना है। शेख आयशा इम्तियाज, मिश्रा पलक, राजवे प्रियंका, गरगड़े आदिति, गोटे सांची, अल्फिया सैयद, श्रेया गुप्ता, शेख शमीम, गुप्ता कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच, दिस वाज आवर टग ऑफ वॉर अंडर 19 गर्ल्स टीम। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट अंडर 15 बॉयज टीम फ्रॉम मुमरा, जिन्होंने टग ऑफ वॉर में सेकंड पोजीशन स्टेट लेवल पर हासिल किया है। एक बार जोरदार ताली हमारी बॉयज टीम के लिए। तो बिल्कुल गर्ल्स अगर आगे है तो बॉयज कैसे पीछे रह सकते हैं। वी सपोर्ट गर्ल्स बट वी आर ऑल्सो प्राउड ऑफ बॉयज। तो अर्शिया के शुभ हाथों से कैप्टन ये नन्हे मुन्ने प्लेयर प्लीज आवाज आना चाहिए। गर्ल्स की आवाज बहुत जोर से आई थी, वी आर प्राउड ऑफ यू। दीज आर अंडर 15 बॉयज, नन्हे मुन्ने बच्चे अंडर 15 बॉयज, और इनका अचीवमेंट देखो, सेकेंड पोजिशन ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट। और इनका कोच जैद, ओके ओके एक मिनट बच्चे लोग रुकना है। आपका नाम क्या है? नन्हे मुन्ने सबसे यंगेस्ट कैप्टन दिख रहे हैं मेरे को, अंसारी उमर। अंसारी उमर की आवाज में बहुत दम है। खान अब्दुल्ला, समीर पाटिल, खान तौकीर, असद शेख। असद शेख मेन प्लेयर लग रहे टीम के, असद शेख के लिए एक बार जोरदार तालियां। तो थैंक यू वेरी मच अंडर 15 बॉयज टीम फॉर विनिंग सेकंड पोजीशन ऑल ओवर महाराष्ट्र स्टेट। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। एंड अब मैं मास्टर माइंड्स को बुलाना चाहूंगा यहां पर। तो मास्टर माइंड आई वुड लाइक टू कॉल कोच अल्फिया सैयद एंड प्रतीक तुपे। तो ये होते हैं जो बैकएंड में मेहनत करते हैं बच्चे के ऊपर। अगर आपको इनकी पोजीशन नहीं समझ में आ रही है तो चक दे इंडिया मूवी एक बार देख के आओ। ये है वो शाहरुख खान, एंड ये भी एक शाहरुख खान लेडी शाहरुख खान।
जैद काजी को कौन भूल सकता है, जैद काजी जो सबसे ज्यादा मेहनत करते पूरी टीम को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं, एंड हेड कोच ऑफ दिस टीम, दिस विनिंग टीम टू बी एक्यूरेट, जैद काजी। एक बार जोरदार तालियां जैद काजी के लिए भी हो जाए, आवाज नहीं आ रही पीछे से आपके कोच के लिए। निरंजन प्लीज कॉम्बॉक्स के पास आ जाए। तो ये है जैद काजी, दिस इज द प्राइड ऑफ मुंब्रा। ये बच्चे हैं जिन्होंने मुंब्रा का नाम चमकाया पूरे स्टेट में और पूरी कंट्री में। सो थैंक यू वेरी मच एवरीबडी फॉर कमिंग इन दिस टूर्नामेंट, थैंक यू। हेलो 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 भाई, साउंड दो ना जरा। चलिए बैठ जाए भाई, एमआरई ए हटो भाई यहां से, भाई हटना। कितना हुआ? एक ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचा है 20 रन। कितना मारा पापा? दे दो स्कोर। चलिए बैठ जाए भाई, बच्चे बैठ जाए आप लोग। हाँ भाई उसको दे दो। अरे पहली ओवर के खात्मे पे स्कोर जा पहुंचा है 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। 5 ओवरों का ये मैच, एमआरई इस मैच में बड़ा स्कोर करने का प्रयास करेगी। हेलो हेलो हेलो, एक बंदा ना माइक ही चेंज कर रहा है। हेलो 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 हेलो, दर्शक जो भी दर्शक सामने बैठे या तो नीचे बैठ जाओ प्लीज, भाई प्लीज नीचे बैठ जाओ। और पापा के क्या कहने, जो मैच में पापा को मौका मिला है बिल्कुल अपना छापा लगाया उस मैच में, हर मैच में एक बेहतरीन शुरुआत दी। अगर टीम एमआरई स्ट्राइकर्स इस मुकाम तक पहुंची है तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है पापा का। डीजे जैक भाई थोड़ा सा साउंड इंक्रीज कर दे प्लीज। हेलो, एंड बॉलिंग की कमान संभाली है पर सलमान ने। फाइनल का ये मुकाबला खेला जा रहा है टीम 7 अप स्ट्राइकर जो कि अनडिफिटेड रही अब तक इस टूर्नामेंट में, एंड सामना कर रही है टीम हमारी स्ट्राइकर्स। उसी बीच एक स्लो गति से फेंकी गई गेंद सलमान के द्वारा और बड़ी आसानी से फील कर लिया है, यहां पर एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों ही बल्लेबाजों को, एंड स्कोर अब जाता हुआ 22 रन। और आपको बता दूं हमारे पास आज बहुत ही डिसिप्लिन से ये टूर्नामेंट खेला गया तो टाइम हमारे पास काफी बचा है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैच में टाइम रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये फाइनल का मुकाबला है, बड़ा मुकाबला है, आपको इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी गई है, आपको डिसिप्लिन में खेलना है एंड विद इन टाइम लिमिट्स ये मुकाबला खत्म होना चाहिए।
हमारे बीच में हमारे हरदिल अजीज मेहमान है, यस वीकेंड फाउंडेशन है के चेयरपर्सन मोहम्मद हमारे बीच में आ चुके हैं। तो मोहम्मद आपका दिल की गहराई जैसे तहे दिल से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मोहम्मद एक सोशल एक्टिविस्ट भी है, उनका हमेशा एक योगदान रहता है। संजय नगर में जो भी युवा रहते होंगे बिल्कुल हर कोई मोहम्मद से परिचित है और हमारे बीच में मोहम्मद आ चुके हैं। मोहम्मद आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक ओवर दो बॉल के बाद अब स्कोर थमा हुआ 22 रन्स। एक बड़ा लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई टीम हमारी स्ट्राइकर्स और ठीक उसी तरह की कुछ स्टार्ट यहां पर दे चुके हैं पापा अपनी टीम के लिए। पापा एक प्रबल दावेदार बेस्ट बैट्समैन की लिस्ट में और उसी तरह की यहां पर बल्लेबाजी का मुजाहरा दिखाते हुए पापा बीच एक बहुत बेहतरीन गेंद। अगर आप पापा को डॉट कर सकते हो मतलब आप एक बहुत बेहतरीन गेंदबाज हो। पापा जैसे इनफॉर्म बैट्समैन जिन्होंने हर मैच में अपना लोहा मनवाया है, पापा जैसे बल्लेबाज को पूरी तरह बीट करते हुए हेलो सलमान ने बहुत ही बेहतरीन अब तक की गेंदबाजी की है। पापा जैसे बल्लेबाज का बल्ला अगर किसी ने रोक के रखा है पूरी प्रतियोगिता में तो वो बने हैं पहले गेंदबाज सलमान। सलमान अपनी उंगलियों का जादू दिखाते हुए उंगलियों का जादू बिखेरते हुए मैदान के बीचों बीच चेंज ऑफ पेस और पेस डिलीवरी का मिश्रण करते हुए पूरी तरह से अब तक रोक कर रखा है पापा को। लेकिन पापा का बल्ला ज्यादा देर तक शांत नहीं रहेगा, पापा का बल्ला जरूर बोलेगा। हम आशा करते हैं कि पापा अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्ट्रोक टोटल तक ले जाए। इसी बीच एक शॉर्ट गेंद मिली अपनी रेंज में और जड़ दिया है खूबसूरत 4 रन। और पापा को एक शॉर्ट गेंद मिली और बिल्कुल बहुत फायदा उठाया उसे का। इसी बीच एक और तेज तर्रार गेंद और पूरी तरह यहां पर बीट किया पापा को। तो सलमान की यहां पर मैं प्रशंसा करना चाहूंगा, बहुत ही बेहतरीन ओवर रहा। एक शॉर्ट डिलीवरी जरूर डाली पापा के लिए, पापा ने चौका भी लगाया लेकिन ओवरऑल अगर आप उनका ओवर देखेंगे तो एक नपतुला और एक बहुत किफायती ओवर कहा जाएगा यहां पर सलमान का। तो अब दो ओवर के बाद स्कोर है 26 रन, स्टिल 3 ओवर्स टू कम। आपको बता दूं फाइनल का मुकाबला ये 5 ओवर का मुकाबला खेला जा रहा है जिसमें 2 ओवर पावर प्ले एंड 1 ओवर कंपलसरी बाय द ओनर। ये रूल्स MIPL में कुछ अनोखे रूल्स बनाए गए हैं खास ओनर्स के लिए। एक ओवर हर मैच में ओनर को करना है। आपने अब तक के हर लीग मैचेस में हर नॉकआउट मैचेस में देखा कि ओनर्स ने अपनी टीम के लिए एक लास्ट ओवर लेकर आए हैं और जितने भी ओनर्स थे उनका ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन रहा अब तक इस टूर्नामेंट में। अब गेंदबाजी का जिम्मेदारी मिली है सुरेश को। सुरेश एक बहुत ही बेहतरीन इनका बॉलिंग एक्शन साथ ही साथ एक प्रॉपर ऑलराउंडर है। एक ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी टीम के हार्दिक पांड्या का इनको रोल मिला है टीम 7 अप स्ट्राइकर्स में और बखूबी अपने रोल को निभाया है अब तक इस प्रतियोगिता में और अब है ये फाइनल का मुकाबला। तो हमारे बीच में यस वीकेंड फाउंडेशन के चेयरपर्सन मोहम्मद भाई उपस्थित हैं।
बिल्कुल हाफिज सोहेल हमारे बीच में एक बार फिर से उपस्थित है। ऑक्शन में भी इन्होंने बहुत प्रोत्साहित किया था सभी बच्चों को, और मोहम्मद यस वीकेंड फाउंडेशन के चेयरमैन मोहम्मद और हाफिज सोहेल हमारे बीच में उपस्थित है। यूनुस बाबर मैडम के शुभ हाथों से इनका सत्कार किया जा रहा है, एंड वी वेलकम यू वंस अगेन। तो हाफिज सोहेल और मोहम्मद का हमेशा एक प्रोत्साहन रहता है यंगस्टर्स के लिए। आपने देखा था जब 16 नवंबर को MIPL सीजन 4 का ऑक्शन हुआ था, तो हाफिज सोहेल और मोहम्मद दोनों ही वहां पर मौजूद थे, और एक बार फिर से सभी बच्चों को प्रोत्साहित मोटिवेट करने के लिए हमारे बीच में मौजूद है हमारे दोनों ही मेहमान मोहम्मद एंड हाफिज सोहेल। यूनुस भाई, सत्तार भाई और मैडम के शुभ हाथों से इसके बाद मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर वंदना मैडम को। वंदना मैडम आपका भी यहाँ पर सत्कार किया जाएगा मैडम के शुभ हाथों से। तो हमारे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल गेस्ट वंदना मैडम हमारे बीच में उपस्थित है। मैं यहाँ पर सत्तार भाई, मैडम और यूनुस भाई से रिक्वेस्ट करूंगा आपके शुभ हाथों से यहाँ पर वंदना मैडम का सत्कार किया जा रहा है। बिल्कुल सभी गेस्ट यहाँ पर आते हैं प्लेयर्स को प्रोत्साहित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, एंड वंदना मैडम की उपस्थिति इस टूर्नामेंट में, इस टूर्नामेंट के सक्सेसफुल होने की एक निशानी, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग वंदना मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, गफर भाई। हेलो, तो थैंक यू वेरी मच ऑल द गेस्ट फॉर कमिंग, योर प्रेजेंस मीन्स अ लॉट टू अस। जिसमें एक्सीडेंट पर 2 लाख और जान जाने पर 4 लाख है। अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन, सबकी मदद के लिए एक कदम आगे।
दोस्तों, लोग रोजगार के लिए क्या कुछ नहीं करते, मीलों तक सफर करते हैं, मेहनत करते हैं, नौकरियां ढूंढते हैं। और तो हमारे बीच में हमारे अड़दिल अजीज मेहमान वंदना मैडम आपसे रूबरू होंगे दो शब्द के लिए, तो वंदना मैडम आई रिक्वेस्ट यू प्लीज 24 अक्टूबर दर्शकों से रूबरू हो सकते हैं। मुमरा के संजय नगर इलाके में अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की फाउंडर रिदा रशीद ने ऐसे ही एक रोजगार मेले का आयोजन किया। अपने काफी बिजी शेड्यूल से भी वो हमें बहुत ही खुशी आनंद महसूस हो रहा है कि मैडम ने इतना अच्छा टूर्नामेंट, इतना अच्छा, इतना मतलब हमारे बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, हमारे जो बच्चे स्कूलों में हैं, कॉलेजों में हैं, उनको यहाँ सामने लाने के लिए महाराष्ट्र चैंपियन, इसके बाद इंडियन चैंपियन बनाने के लिए पूरा योगदान है मैडम का। और हम यही भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमारे जितने भी महाराष्ट्र के बच्चे हैं और ऑल इंडिया जितने भी बच्चे यहाँ पे आके स्टडी कर रहे हैं, सब अपना पूरा से स्टडी के बाद पूरा समय ये खेलों में दीजिए। हमारे पति खुद ये फुटबॉल चैंपियन रह चुके हैं और अभी भी 50 इयर्स के हैं, फुटबॉल और क्रिकेट दोनों ही बड़े खुशी आनंद से खेलते हैं, हमें वीडियो कॉलिंग में दिखाते हैं, नागपुर में इस टाइम पोस्टेड हैं। हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ का, ऐसा लग रहा है कि हमारे पति मतलब हमारे बच्चे सब यहाँ पे वही मतलब यहाँ पे खेल रहे हैं, हमें बड़ा बहुत ही बहुत बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आरसिया बेटा मतलब हमारे इतने कम उम्र में इतना आगे हमारे देश के लिए, हमारे प्रदेश के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मैडम ने बताया कि हमारे बाबू का यही यही उद्देश्य है कि हमारे देश के जो भी बेरोजगार बच्चे, बेरोजगार बच्चियां और जो भी हमारी बहनें बेरोजगार हैं, उनको हम एक एक बच्चों को, एक एक बच्चियों को, एक एक महिलाओं को हम बेरोजगार देने के अपना जो भी पेमेंट है आरसिया मैम का, वो बहुत पूरा योगदान है। तो इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं अपने आरसिया बेटा जी के लिए, और मैम का तो पूछना ही नहीं है। और सबसे बड़ा योगदान है हमारे जो यहाँ पर दर्शक आए हुए हैं, उनसे भी प्रार्थना है कि जितने अपने अपने बच्चों को खेलने के लिए पूरा समय दीजिए, जो 2-3 घंटा कॉलेज और स्कूल के बाद समय मिलता है उनको खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आप सुन रहे थे वंदना मैडम को, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही इन्होंने फिटनेस और स्पोर्ट्स से लेके। तो थैंक यू वेरी मच वंदना मैडम फॉर कमिंग, योर प्रेजेंस मींस अ लॉट टू अस। तो आपको बता दो, वंदना मैडम के जो हस्बैंड है 50 इयर्स प्लस उनका एज है, लेकिन वो आरपीएफ की तरफ से फुटबॉल चैंपियन भी रह चुके हैं और फुटबॉल और क्रिकेट बहुत शौक से और बहुत चाव से खेलते हैं। तो वंदना मैडम थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड शेयरिंग दिस गोल्डन वर्ड्स विद अस। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट पापा का, एंड पापा जैसे बल्लेबाज आउट। और अब पापा की जगह लेने जा रहे निसार हो सकते हैं इस मैच के टर्निंग पॉइंट। अब तक के उन्होंने हर मैच को टर्न किया अपनी बॉलिंग और अपनी बैटिंग के। एक बार जोरदार तालियां पापा के लिए, हर कोने में से पापा के लिए तालियां बजनी चाहिए। 34 रन का इंडिविजुअल स्कोर किया यहां पर पापा ने, और हर मैच में बेहतरीन पारी खेली और साथ ही साथ फाइनल जैसे मुकाबले में 34 रन का कंट्रीब्यूशन। 5 ओवर की मैच में अगर आप 34 रन बनाने की ताकत रखते हो तो बिल्कुल आप में एक कैपेबिलिटी है, आप एक बड़े बैट्समैन, एक मुमरा का फ्यूचर स्टार बन सकते हो। और अब स्कोर आफ्टर 3.3 ओवर्स, स्कोर इज 43 रन। अभी भी इस मैच में 9 गेंदें आना बाकी है, और सलमान गेंदबाजी कमान पर एक बार फिर से, जब भी सलमान ने गेंदबाजी अपने हाथ में ली है। हेलो, इस वक्त मंच पर उपस्थित मर्जिया शानू पठान मैम छोटे छोटे कदमों से तशरीफ लाती हुई यहाँ के एक डैशिंग
कॉरपोरेटर की साहबजादी इस वक्त हमारे मंच की जीनत बनती हुई, हमारी मंच की शोभा बढ़ाती हुई मर्जिया शानू पठान मैम यहाँ पर आई हैं। इनका दिल की गहराइयों से हम इस्तकबाल करते हैं। हेलो 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 हेलो, आए हुए सभी मेहमानों का दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है, स्वागत है, हम वेलकम करते हैं। हमारे मेहमान खुसूसी इस वक्त हमारी दाइस की जीनत बनती हुई और हमारे मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमारे मेहमान मर्जिया शानू पठान सिराज भाई। मर्जिया शानू पठान, अशरफ शानू पठान को कौन नहीं जानता मुमरा में। अशरफ शानू पठान की साहबजादी मर्जिया शानू पठान हमारे बीच में मौजूद है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस टूर्नामेंट के लिए। और साथ ही साथ भावी नगर सेवक सलमान खान जी, नाम प्यार से मामा कहते हैं, तो मामा भी हमारे बीच में मौजूद है, हमारे वन ऑफ द स्पेशल गेस्ट सलमान मामा। एक बार जोरदार तालियां बजाना चाहिए मामा के लिए। आपने मामा को बहुत बार देखा रहेगा, बैनर्स में नजर आते हैं मामा, आज आपके सामने नजर आ रहे। बिल्कुल, हम अपने सभी मेहमानों का सत्कार करेंगे यहां पर। मैं यूनुस भाई, सत्तार भाई, मिनाज भाई सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग को यहाँ पर आना है, हमारे स्पेशल गेस्ट का यहाँ पर सत्कार समारोह किया जाएगा। और हम मामा को भी माइक देंगे, मामा को रूबरू होने का मौका देंगे दर्शकों से। तो बिल्कुल रीदा मैडम, अर्शिया एंड नाउ मर्जिया, एक वुमेन पावर दिखाया यहाँ पर स्टेज से रीदा मैडम ने इस टूर्नामेंट में, तो टूर्नामेंट वुमेन पावर के लिए भी याद रखा जाएगा। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा मर्जिया शानू पठान मैडम, प्लीज आपको यहां पर आना है, आपका सत्कार किया जाएगा यहां पर हमारी कमिटी की जानिब से, मैडम की जानिब से। यस, हमारी कमेटी के मेंबर्स यूनुस भाई, सत्तार भाई, मिनाज भाई, इन लोग की मेहनत है, आप देख सकते हो इनकी मेहनत है जो रंग ला रही है इस मैदान पर। एंड हमारे स्पेशल गेस्ट मर्जिया शानू पठान हमारे बीच में उपस्थित है, तो इनका सत्कार किया जा रहा है मैडम के शुभ हाथों से। एक बार तालियां हो जाए हमारे चीफ गेस्ट के लिए। मैडम एक मिनट, सलमान सलमान प्लीज आप भी सामने आ जाए, सलमान इज ऑल्सो वन ऑफ आवर इंपॉर्टेंट गेस्ट। यहाँ पर सलमान उर्फ मामा का भी यहाँ पर सत्कार किया जाएगा मैडम के और हमारी कमिटी मेंबर्स के शुभ हाथों से। तो आई वुड लाइक टू वंस अगेन थैंक्स आर बोथ द गेस्ट मर्जिया शानू पठान एंड सलमान मामा फॉर कमिंग, थैंक यू वेरी मच। और ये थ्रो, ऐसा थ्रो तो कभी किसी ने देखा नहीं होगा और फाइनल के मुकाबले में, लेकिन एक कोई हर जाना नहीं, इन्हें चुकाना पड़ा इस थ्रो के लिए। थैंक यू वेरी मच डीजे, थैंक यू वेरी मच, बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पर और निसार जैसे बल्लेबाज पवेलियन में लौटते हुए। अब स्कोर का, स्कोर मैच का ये इक्वेशन है। और मैच का टोटल स्कोर है 58 रन्स। यस, अंपायर ने जो भी डिसीजन दिया दैट विल बी द फाइनल डिसीजन, यू हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन। अंपायर अपना निर्णय आउट दे दिया है, निसार अंपायर ने आउट करार दिया है एंड अंपायर डिसीजन विल बी द फाइनल डिसीजन। आपको कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करना है, कोई डिस्कशन नहीं करना है।
दो आदमी। तो हमारे बीच में हमारे हरदिल अजीज मेहमान है, थोड़ी देर में यहाँ पर उपस्थित होंगे शाकिब दाते। शाकिब दाते की यंग डैशिंग पर्सनैलिटी और साथ ही साथ उनका हमेशा एक प्रोत्साहन रहता है, जब भी जहां भी आप क्रिकेट का मुकाबला देखोगे, क्रिकेट के मैचेस देखोगे, वहां पर साकिब दाते को जरूर पाओगे। एक यंग डैशिंग पर्सनैलिटी के मालिक साकिब दाते और उनका हमेशा ही एक बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन रहता है। तो वी थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ एंटायर कमिटी साकिब सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैडम की तरफ से और अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से आपके लिए स्पेशल थैंक्स, क्योंकि आप लोग का एक कोऑपरेशन रहता है जिसकी वजह से इतना बड़ा इवेंट सक्सेसफुल हो पाता है। तो थैंक यू वेरी मच शाकिब दादे सर। डिसीजन इज आउट। तो दिलबर जैसा बल्लेबाज यहां पर पवेलियन की राह लौटता हुआ एंड अंपायर, टोटल कितने रन कंप्लीट हुए? यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन है। दो रन करेक्ट, यस टू रन। सो एडिंग दिस टू रन द टोटल टैली ऑफ स्कोर इज 64 रन से की विशाल लक्ष्य की तरफ बढ़ती हुई टीम MRE Strikers, yes. जिस तरह से उम्मीद की थी हमने टीम MRE Strikers, एक टूर्नामेंट जीतकर आती हुई टीम MRE Strikers, एक बड़े लक्ष्य की उम्मीद हमने जरूर की थी और 64 तक अब पहुंच चुकी है टीम MRE Strikers। दो बॉल पे कितना चाहिए? इसी बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट, यहाँ पर उतनी ही बेहतरीन फील्डिंग, क्या कैच अटेम्प्ट किया, वाह वाह, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम यहाँ पर फील्डर की, और बहुत ही बेहतरीन कैच। जावेद भाई हमारे बीच में उपस्थित है, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे जावेद भाई प्लीज आपको भी स्टेज पर आना है। वी वेलकम यू इन MIPL सीजन 4 जावेद भाई। तो वन ऑफ आवर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड स्पेशल गेस्ट जावेद भाई इज आल्सो अवेलेबल विद अस एंड वी थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग जावेद भाई। इस इनिंग में अभी एक गेंद आना बाकी है, लास्ट बॉल येट टू कम, टोटल इज 64 रन्स ऑन बॉलिंग मार्क गफूर भाई और बल्लेबाजी पर MRE स्ट्राइकर के बल्लेबाज पप्पू। यस, एक बाइट लगाने की कोशिश लेकिन ऑलोंग द ग्राउंड के लिए पर मास्टर के पास मौका जरूर था लेकिन कोई रिस्क नहीं लिया क्योंकि लास्ट गेंद है ओवर की, क्या ये विकेट गिर सकता है? यहां पर राहिल ने बड़ी आसानी से कलेक्ट किया एंड लक्ष्य रखा है 66 रन का, करेक्ट गोलू 66 रन का यहां पर लक्ष्य रखा है टीम MRE स्ट्राइकर्स ने टीम 7-Up स्ट्राइकर्स के लिए। तो कौन बनेगी वो विजेता विनर स्ट्राइकर? दोनों स्ट्राइकर्स के बीच का यह मुकाबला 66 रन का लक्ष्य दिया है। ओवर टू सिराज भाई। यस, टीम 7-Up स्ट्राइकर्स एंड टीम MRE स्ट्राइकर। इम्मू भाई जल्द से जल्द फील्डिंग सजाना है, अपने पास टाइम नहीं है, टाइम लिमिट दिया गया हर मैच के लिए, आपको जल्द से जल्द अपनी फील्डिंग सजाना है इम्मू भाई। तो मैं साकिब दाते भाई आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आपका सत्कार किया जाएगा। मैडम यूनुस भाई, सत्तार भाई, मीनाज भाई के शुभ, साकिब दाते प्लीज आपको आगे आना है। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक साकिब दाते, आपका बहुत स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन रहा है अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की तरफ से और पूरी कमिटी की जानिब से, आपका बहुत बहुत स्पेशल थैंक्स, थैंक्स फॉर सच अ वंडरफुल कोऑपरेशन इन दिस टूर्नामेंट। चलिए मैच को भी जल्द से जल्द स्टार्ट करें प्लीज, वी हैव डोंट टाइम एंड
सिराज भाई वन सेकेंड, यहाँ पर साकिब दाते हमारे साथ मौजूद है एंड कमिटी की तरफ से ये मेरे को एडवाइस आया कि साकिब दाते को जरूर कुछ बोलना चाहिए इस मंच से। तो साकिब सर आपको जो बोलना है आपको पूरा लिबर्टी है, आप तो एक बहुत अच्छे ओरेटर भी हो, तो आपको मैं माइक देता हूं और स्टेज इज योर्स। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं अर्शिया फाउंडेशन को बहुत थैंकफुल बोलूंगा कि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है। ये मुमरा के यूथ के लिए हमेशा, हमारे मुमरा के सोशल वर्कर्स हमेशा आगे रहते हैं यूथ को एनकरेज करने के लिए, तो उसके लिए बहुत थैंकफुल। और आगे भी आने वाले दिनों में हम यूथ के लिए काफी ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करेंगे, इसकी हम आशा करते हैं, होप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। ये साकिब दाते वन ऑफ द स्पेशल गेस्ट। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा जावेद भाई से, जावेद भाई आपका भी यहाँ पर सत्कार किया जा रहा है, तो जावेद भाई प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपका सत्कार यूनुस भाई, सत्तार भाई, मिनाज भाई, मैडम को शुभ हाथों से किया जाएगा। वी वेलकम यू ऑन स्टेज। तो ये हमारे हरदिल अजीज मेहमान है जावेद भाई, पूरी कमेटी की जानिब से, अर्शिया वेलफेयर फाउंडेशन की जानिब से और MIPL की जानिब से आपका सत्कार किया जा रहा है एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच। चलिए मैच स्टार्ट करें प्लीज जल्द से जल्द। 5:20 हो चुके हैं, धीरे धीरे मात्र 40 मिनट में सूरज मुकम्मल तरह से गुरूब हो जाएगा, लिहाजा इस बात का ख्याल रखें। और मुख्तसर से वक्फे के बाद अजान भी होने वाली है, सो लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा हमारे दोनों ही अंपायर से कि प्लीज जल्द से जल्द मैच को स्टार्ट करें। और इसी बीच DC ग्राफिक्स के हबीब भाई, हबीब भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आपको भी स्टेज पर आना है। DC ग्राफिक्स के हबीब भाई, ये जो ऑडियंस यहां पर खड़ी है मैं उनसे गुजारिश करूंगा बैठ जाए नीचे प्लीज, वॉलंटियर अपनी पोजीशन ले लें, जो जिम्मेदारी आपको दी गई है आपके कांधों पर जो जिम्मेदारी है उसे आपने बखूबी निभाया है। मैं गुजारिश करता हूं कि बस एक 5 ओवर का मैच बचा है, इस 5 ओवर में भी आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी अंजाम देंगे, तो तमाम वॉलंटियर से मेरी मुआदबाना गुजारिश है बराए मेहरबानी जल्द से जल्द अपनी पोजीशन पर जाएं और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम दें। तो हमारे बीच में मौजूद है DC ग्राफिक्स के हबीब भाई, एक सीनियर क्रिकेटर भी है मुमरा में, बिल्कुल हम रूबरू होंगे हबीब भाई से भी पहले। हबीब भाई का सत्कार किया जा रहा है यहाँ पर, मैडम सत्तार भाई, यूनुस भाई और मीनाज भाई के शुभ हाथों से वी वेलकम यू ऑन स्टेज। DC ग्राफिक्स के हबीब भाई, बिल्कुल हबीब भाई से हम रूबरू होंगे, क्रिकेट जो भी खेलता है मुमरा में जरूर हबीब भाई को पहचानता है एंड हबीब भाई वी वेलकम यू ऑन स्टेज। तो थैंक यू वेरी मच हबीब भाई फॉर कमिंग। और मैं आपको बता दूं हबीब भाई एक सीनियर क्रिकेटर है मुमरा के, जितने बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं वो शायद पैदा भी नहीं होंगे जब से हबीब भाई यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं। तो हबीब भाई 2 शब्द हमारे दर्शक के लिए। हेलो, आप अच्छा खेलो, बस यही मेरी तमन्ना है कि लोग अच्छा क्रिकेट खेले बस, और मैं क्या बोलूंगी बस हो गया। बिल्कुल मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग एंड योर प्रेजेंस मीन्स अ लॉट टू अस। थैंक यू डॉक्टर आसिम। हमारी जनता के लिए एक इनामी राशि यहां पर, अगर बाउंड्री के बाहर गेंद आती है और उस गेंद को अगर आप पकड़ते हो तो मिलन भाई की जानिब से हमारे दर्शकों के लिए 100 रुपए की इनामी राशि। बिल्कुल सिराज भाई, अगर ये 500 रुपए होते तो मैं भी कमेंट्री छोड़ के दर्शक बन जाता, लेकिन अब ये रोल निभाना पड़ेगा यहाँ पर एंड दर्शक के लिए एक बहुत सुनहरा अवसर यहाँ पर, अगर आप कैचेस पकड़ते हो तो 100 रुपीज की इनामी राशि। और यहां पर इस फाइनल के दावेदारी हासिल करने के लिए जरूरत है 30 गेंदों में 66 रनों की, यानी 13.2 दशमलव की जरूरत, रिक्वायर्ड रन रेट आता है यहां पर, क्या 7 अप इस टारगेट को अचीव कर पाएगी यह देखना हमारे लिए बाकी रहेगा। मिलते हैं 5 ओवरों के इस खेल के बाद, वो होगा दावेदार, मुमरा इंडियन प्रीमियर लीग Season 4 का दावेदार। Here we go, 66 required run in 30 balls. गेंदबाजी मार्ग पर निसार, सब कुछ निसार करना होगा यहां पर, तन मन धन के साथ खेलना होगा, जहां भी निसार करनी पड़ जाए तो करनी पड़ेगी क्योंकि यह मैदान बन चुका है जंग का मैदान। बिल्कुल हम देख रहे हैं कि दोनों ही टीम ने अपने तोप बंदूकें सब हथियार निकाल लिए और सबसे बड़ा
उनका हथियार निसार है, एक बार बॉलिंग बाग पर आ चुका है, लेकिन उनको सामना करना है यहाँ पर सेवन अप स्ट्राइकर्स के बल्लेबाजों का। सेवन अप स्ट्राइकर्स अब तक इस टूर्नामेंट में अनबीटेबल रही है, एक बार सामना करेगी टीम MRE स्ट्राइकर्स का। खूबसूरत तरीके से काउ कॉर्नर रीजन पे खेला, दो रन के साथ स्ट्राइक को रोटेट किया, इसी के साथ सेवन अपने अपने खाते में दो रन जोड़े। सलमान ने शुरुआत की दो रन के साथ, अपना निजी स्कोर भी दो रन बनाया और अपने टीम के स्कोर में इजाफा कर दिया दो रन के साथ, स्कोर जाता हुआ आगे बिना किसी विकेट के नुकसान पर 66 रन का पीछा करती हुई सेवन अप की प्लेइंग 11। रमन मौर्या विकेट क्रीज पर, सलमान पॉपिंग क्रीज पर, रमन मौर्या डाउन द ट्रैक जाकर खेलने का प्रयास, जड़ों में डाली गेंद, खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया शॉट कवर रीजन पर, मात्र एक रन, स्ट्राइक को रोटेट किया यहां पर सलमान ने, इस बार मौका है रमन के पास। तीन रन हो चुके हैं स्कोर कार्ड पर बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और मैं एक बार सभी वॉलंटियर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा अपनी अपनी पोजिशन ले ले, हर एक डिसीजन ये बहुत क्रिटिकल डिसीजन होता है इस तरह के मैच में। और दर्शक से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज सीमा रेखा पार ना करें, सीमा रेखा के पीछे ही रहे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स ऑफ द टूर्नामेंट। थैंक यू। वो स्ट्रेट जो बैनर लगा है कैमरामैन के पास, अगर बल्लेबाज उस बैनर पर गेंद को डायरेक्ट हिट करता है तो मर्जिया मैम की जानिब से 500 रुपए की इनामी राशि। सलमान सामना करेंगे निसार का, निसार गेंदबाजी मार्क से दौड़ते हुए आया, अंपायर को क्रॉस किया, फुल लेंथ डिलीवरी उठाकर खेलने का प्रयास, डिड मिस विकेट रीजन पर गेंद, खूबसूरत तरीके से वहां पर पापा ने गेंद को फील्ड किया, मिले मात्र एक रन, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। जबरदस्त अपील यहां पर, लेकिन पहुंच गए थे पॉपिंग क्रीज पर, अंपायर ने इस अपील को नकारा, इसके साथ स्कोर आगे जाता हुआ चार रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। बिल्कुल ये टूर्नामेंट में अगर किसी को याद रखा जाएगा तो वो पापा को, बिल्कुल पापा ने हर चीज की है इस टूर्नामेंट में। आप बल्लेबाजी में उनको बल्ला थमा दो वो जिता कर लाएंगे, आप उनको फील्डर बना दो वो कैच पकड़ कर लाएंगे, और आप उन्हें एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना दो वो मैच जिता कर लाएंगे। तो पापा ने हर चीज मुमकिन कर दिखाई है इस MIPL सीजन 4 में। इसी दरमियान निसार गेंदबाजी मार्क से डरते हुए अंपायर को क्रॉस करने का प्रयास, लेकिन फंबल हुए, रन अप टूटा यहां पर, अंपायर ने इनलीगल डिलीवरी डेड बॉल करार दिया यहां पर, फिर से गेंदबाजी छोड़ पर जाते हुए निसार। ऊंचे कट का ये गेंदबाज, तकरीबन 6 फीट इसकी हाइट और 2.5 फुट का इसका हाथ, यानी 8.5 फुट ऊंचाई से गेंद आ रही है बल्लेबाज के पास, ऐसा लग रहा है भारतीय सेना पाकिस्तानी बॉर्डर पर बम ब्लास्ट कर रही है। ओ जबरदस्त गेंद, इस बीच गुड लेंथ डिलीवरी यहां पर, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से पंच किया, एक रन मिला, इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। और बिल्कुल सिराज भाई, क्रिकेट इज अ गेम ऑफ मोमेंटम, आपने देखा टीम MRE स्ट्राइकर्स ने MPL जैसा बड़ा टूर्नामेंट में जीत हासिल की और वही मोमेंटम को कैरी फॉरवर्ड करते हुए आज MIPL सीजन 4 के फाइनल में अपनी दावेदारी पेश की है और एक स्ट्रांग दावेदारी पेश की है। 66 रनों का लक्ष्य रखा है टीम सेवन अप स्ट्राइकर्स के लिए, तो एक स्ट्रांग टीम बनकर उभर कर सामने आई है 2022 के इस सीजन में। जी बिल्कुल, इस दरमियान अच्छी गेंद, लॉफ्ट किया है डीप एक्स्ट्रा कवर रीजन, सीमा रेखा के बाहर गेंद जाती हुई, चार के लिए चौकार। थैंक यू डीजे, इसी चौके के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल अभी भी जारी, 4 ओवर अभी भी बाकी है, 66 रन का 66 रन का पीछा करती हुई सेवन अप की ये टीम क्या इस टारगेट को अचीव कर पाएगी, क्या बनेगी ये दावेदार, देखना अभी बाकी है। बिल्कुल मैक्सवेल की स्टाइल में यहां पर अपने स्टांस को रोटेट करते हुए बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश है, गेंद जा रही है फाइन लेग के क्षेत्र में पर वहां आउटफील्ड की खराबी के कारण गेंद वहां पर थम गई है, देखते हैं कितने रन चुराने में कामयाब होंगे दोनों ही बल्लेबाज। बड़ी आसानी से यहां पर 3 रन मुकम्मल कर लिए दोनों ही बल्लेबाजों ने और इस 3 रन के साथ अब टीम का टैली जा पहुंचा है 12 रन पर। जी बिल्कुल, 12 रन स्कोर कार्ड पर हो गए हैं और पहली ओवर का खात्मा, देखिए रिक्वायर्ड रन रेट की अगर हम बात करते हैं, जब गेम स्टार्ट हुआ था 13.2 रिक्वायर्ड का रन रेट था, यहां पर कुछ हद तक सफलता प्राप्त की है सेवन अप के बल्लेबाज, 12 रन बटोरने में कामयाब हो गए पहली ओवर पर। अब यहां से 24 गेंद का खेल शेष है और यहां से जरूरत है उन्हें 54 रन रिक्वायर्ड होंगे यहां से, तो बड़े हिट का प्रयास कंटिन्यू करना पड़ेगा क्योंकि मैच में बने रहना होगा तो बड़े हिट लगाने होंगे और अगर नहीं लगा पाए तो अभी नहीं तो कभी नहीं, तारीख के पन्नों में अगर नाम को अमर करना होगा तो बड़े हिट्स लगाने होंगे और अपनी टीम के सर जीत का सहारा बांधना होगा सेवन अप के बल्लेबाज को। आसिम आसिम भाई
कहाँ चला गया? बड़े मुकाबले की दोनों बड़ी टीमें एक दूसरे के मध्य मुकाबले, कौन बनेगा मुंबई इंडियन प्रीमियर लीग सीजन 4 का दावेदार? चंद ही लम्हों में 24 गेंदों के बाद आपके सामने होगा इस टाइटल का विजेता। गेंदबाजी मार्क पर गेंदबाज यासीन, दोनों ही सलामी बल्लेबाज अब तक नाबाद, समझदारी और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करते हुए जिसकी जरूरत है सेवन अप की स्क्वाड को। कप्तान की बहुत सारी उम्मीदें अपने दोनों ही सलामी बल्लेबाजों से और कोशिश करनी होगी सलामी बल्लेबाज को कि अंत तक नाबाद रहे। शुरुआत अच्छी है, अंत अच्छा होना जरूरी है। यासीन गेंदबाजी मार्क से पटकी हुई गेंद उठाकर खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले से दूर विकेटकीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। यहां पर डॉट बॉल के साथ शुरुआत की है यासीन ने। 23 गेंदे अभी भी बाकी, 54 रन रिक्वायर्ड है 23 गेंदों में, 54 रन्स। यासीन छोटे कट का ये गेंदबाज, फुल लेंथ डिलीवरी मिड विकेट रीजन पर खेला है, फील्डर को तैनात किया है पापा, एक रन आसानी के साथ मुकम्मल किया, दूसरे रन की कॉल तेजी के साथ, दो रन मुकम्मल। इस दो रन के साथ स्कोर आगे जाता हुआ 14 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। निसार के लिए यहां पर इनामी राशि आती हुई, आपको बता दूं यहां पर दूसरे कंट्री से फोन आए निसार के लिए, ऑनलाइन एक व्यूअर देख रहे हैं, अगर निसार बैक टू बैक दो विकेट चटकाते हैं तो 2000 रुपए की इनामी राशि डिजिटल मनी ट्रांसफर किया जाएगा आपको सभी के सामने। इसी बीच बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक, बहुत ही अच्छा संपर्क है एंड गेम इज आउट ऑफ पार्क फॉर ऑल द वर्ल्ड सिक्स। डीजे बिल्कुल, यहां पर चीयर लीडर के रूप में आप संजय को देख सकते हो, कैमरामैन जरूर कोशिश करेगा उन्हें कैप्चर करने की, तो एक चीयर लीडर भी हमने लाया यहां पर संजय। इस छक्के के साथ स्कोर कार्ड बड़ी छलांग लगाता हुआ 20 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर, 46 रन रिक्वायर्ड। पटकी हुई गेंद उठाकर खेला है का कॉर्नर, रीजन फील्डर मौजूद, Yes, it is 100% result. It's a five-star remix. Thank you, DJ. सेवन अप की टीम थोड़ी सी निराश यहां पर मायूस नजर आती हुई, विकेट का पतन होकर बल्लेबाज डगआउट में लौटता हुआ, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि शमा बुझ जाए तो जल सकती है कश्ती, तूफान से निकल सकती है, मायूस न हो, इरादे न बदल, तकदीर किसी वक्त भी बदल सकती है, लड़ते रहे इंशाल्लाह तकदीर बदलेगी, जीत का सहरा आपके सर होगा। बिल्कुल, क्या खूब शायरी कही है सिराज भाई ने, इतनी शायरी सुना दी है जितनी मैंने मुशायरे में भी नहीं सुनी है, तो आपके लिए भी बहुत यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा। पिछले दो दिनों में इन्होंने लगभग 20 से 30 ऐसी शायरी सुनाई है जो काबिले तारीफ है, और इसी बीच टीम सेवन अप स्ट्राइकर्स अब मुश्किल में। आने वाला अगला बल्लेबाज राहिल, राहिल को दिखाना होगा एमआरई को साहिल, क्योंकि कश्ती है मझधार में और इस कश्ती को निकालने की जिम्मेदारी है राहिल के कंधों पर। क्या सेवन अप की कश्ती जो रनों के गोते खा रही है, क्या साहिल अपनी कश्ती पार लगा पाएंगे, यह देखना अभी बाकी है। राहिल इस बार 20 बार। थैंक यू डीजे, मैं बता दूं सिराज भाई राहिल यहाँ के लोकल है, वन ऑफ द फेवरेट लोकल प्लेयर है और इनमें वो कैपेबिलिटी, अगर आपने इनका फाइनल का छक्का देखा होगा, अगर जो भी प्लेयर यहां पर मुंबई में शाम में इस मैदान पर प्रैक्टिस करता है तो राहिल को जरूर जानते होंगे उनका फाइनल के छक्के के लिए। अगर राहिल को आप थोड़ी भी रूम देते हो या थोड़ा भी शॉर्ट गेंद देते हो तो बिल्कुल वो गेंद जरूर छक्के के बाहर जाएगी, और उसी तरह की कुछ बल्लेबाजी की उम्मीद करती है यहां पर टीम सेवन अप स्ट्राइकर्स। मैच अभी खत्म नहीं हुआ है, मैच तो अभी शुरू हुआ है, फाइनल का मुकाबला, इतनी जल्दी नहीं हार मारेगी टीम सेवन अप स्ट्राइकर्स। बिल्कुल डॉक्टर आसिम, रूम की तो जरूरत है सबको, रूम के लिए तो सारे लोग परेशान है, और इतना ही रूम अगर साहिल को मिलेगा तो एक आध फैमिली उसमें बसा ही देंगे। यहाँ पर पूरे 11 के 11 फील्डर को फैमिली बसाने की जरूरत है, कितनी बेहतरीन गेंद,
वो आ गुड बॉल है, क्या पेस से बीट कर दिया यहाँ पर पूरी तरह बल्लेबाज। जबरदस्त गेम, इसे कहते हैं गिल्ली अंदर डंडी बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम। आज हम लोग अंपायर गोटिया को बुलाने वाले थे लेकिन छोटिया यहां पर आ गए। कंटिन्यू डीजे।
हुआ, लेकिन राहिल ने मजा जरूर उठाया अपनी विकेट का। और साथ ही साथ मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा, ये जो क्राउड है, क्राउड का ये जो मोमेंट, आप प्लीज इसको भी कैप्चर करो। ये जो ग्राउंड भरा हुआ खचा खच और ये स्टेज को जो सजाया गया है, प्लीज कैप्चर एंड सीज दिस मोमेंट एज वेल। तो संजय भाई ने अपनी जबरदस्त कलाकृति से, अपने बेहतरीन डांस परफॉर्मेंस से हमारे दर्शकों का बहुत मनोरंजन किया है। जोरदार तालियां दोस्तों संजय के लिए। और अगर निसार इस गेंद पर विकेट छटकाते, 2000 रुपए डिजिटल मनी निसार के लिए रुके हैं। और एक मौका बनता हुआ निसार के 2000 रुपए का, और कमा लिए 2000 रुपए। बिल्कुल हम एविडेंस के साथ मनी ट्रांसफर करेंगे। अभी मैं कॉन्टेक्ट करता हूँ। अगली 3 ओवर में आपको अभी बंडल उड़ाना पड़ेगा यहाँ पर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर प्रोत्साहन बढ़ाया है सभी का और मनोबल भी बढ़ाया है। और अब 7 अप स्ट्राइकर्स मुश्किल में, अभी तक एक भी मैच नहीं हारी थी टीम 7 अप स्ट्राइकर्स। और मैं आपको बता दूं, जावेद ने एक मैसेज दिया था हमारी स्ट्राइकर्स के लिए। जावेद का मैसेज था, शुरुआत आपसे की थी और खत्म भी आप पर करेंगे, लेकिन जावेद का मैसेज उन्हीं पर भारी पड़ता हुआ। विकेट 26 रन हो चुके हैं 4 विकेटों के नुकसान पर। जैक भाई बस दो ओवर और है और फिर झेल लो, फिर नहीं। थैंक यू मंडल आभारी सर। निसार अपनी अगली गेंद, 26 रन 4 विकेट हो चुकी है अब तक, 7 अप जो कि अब तक नाकाबिले शिकस्त रही इस इवेंट में। क्या फाइनल में आकर शिकस्त खाकर इस इवेंट की रनर अप बनेगी या अपनी परंपरा को बरकरार रखते हुए फाइनल की विजेता बनेगी, बाकी आने वाली 13 गेंदों में हमारे सामने होगा। निसार अगली गेंद, निसार स्कोर पहुंचाया जाए प्लेयर के पास। स्कोर, व्हाट इज द स्कोर? 13 बॉल 40 रन निसार। यस, निसार ने पूरी तरह अपनी जान को निसार कर दिया इस टूर्नामेंट के लिए। सिर्फ 1 ओवर उनका महंगा अब तक साबित हुआ था। कल उन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा था रेस्ट ऑफ मुमरा वाली मैच में, वो मोमेंटम कैरी करते हुए यहां पर निसार। इसी बीच निसार की अगली गेंद, अज्जू का बड़ा स्ट्रोक, कामयाबी नहीं। 1 रन बड़ी आसानी से यहां पर चुरा लिया, 1 ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एंड ओवर की समाप्ति के बाद अब इक्वेशन है 39 रन फ्रॉम 12 बॉल्स। एंड हमारे स्टेज पे जितने भी मेहमान मौजूद हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा ये वही गेंदबाज है। कल एक बड़ा मुकाबला था रेस्ट ऑफ मुमरा वर्सेस MIPL 11, उस मुकाबले में इस गेंदबाज ने सिर्फ और सिर्फ 1 रन खर्च किया था।
धीरे कमबैक करती हुई एमआरई स्ट्राइकर। भी ये मैच को चेंज कर सकते हैं जावेद। जावेद गेंदबाज इस बार मेहताब, छोटे कद का ये गेंदबाज। जावेद के बारे में एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अगर आप लोग जावेद का यहां पर ग्लांस शॉट देखोगे बिल्कुल हर एक दर्शक ताली बजाए बिना नहीं रह सकेगा। जावेद का बहुत ही खूबसूरत ग्लांस शॉट लेग की जानिब जावेद खेलते हैं, वो उनका फेवरेट शॉट है, तो बिल्कुल हम देखना चाहेंगे ये लेग ग्लांस जावेद की तरफ से। गेंद को लेकर दौड़ते हुए आया गेंदबाज, फुल लेंथ डिलीवरी, लॉट अपील लेग बिफोर द विकेट की, और इट इज रन आउट, ओह माय गॉड, अनबिलीवेबल विकेट। स्ट्राइकर्स ने छीना नहीं है डॉक्टर आसिम, सेवन अपने अपने जबड़े में शेर की तरह इस मैच को दपोच के रखा था। एमआरई के बल्लेबाजों ने शिकारियों की तरह जबड़े में हाथ डालकर मैच को निकाला है। जबरदस्त परफॉर्मेंस यहां पर एमआरई स्ट्राइकर्स के दरमियान। और बिल्कुल सिराज भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले हफ्ते जो एमपीएल जैसा इतना बड़ा मुकाबला था, सेम इक्वेशन था, मुक्ता वॉरियर्स वर्सेस एमआरई स्ट्राइकर्स, सेम टीम सेम इक्वेशन, वंस अगेन हिस्ट्री इज क्रिएटेड इन मित्तल ग्राउंड। फुल टॉस गेंद थी, बल्ला गेंद से दूर और विकेट कीपर के दस्तानों में गेंद, डॉट बॉल के साथ यहां पर ओवर का इख्तिताम हुआ है और ओवर के खात्मे पर स्कोर जा पहुंचा है 32 रन। छह गेंदे में 34 रनों की जरूरत, बड़ा है टारगेट लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। क्रिकेट के इतिहास में 1978 में इंग्लैंड में काउंटी का मैच चल रहा था, गेंदबाज ने एक गेंद फेंकने के लिए 78 रन खर्च किए थे, यहां तो जरूरत है छह गेंदों में 34 रनों की, तो क्रिकेट की तारीख बदल सकती है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, लास्ट वीक जो एमपीएल का टूर्नामेंट हुआ था उसमें टीम मुक्ता वॉरियर्स ने एक भी मैच नहीं हारा था लीग स्टेजेस में और वो फाइनल में प्रवेश किया था, और टीम एमआरई स्ट्राइकर जैसी टीम सेकंड पोजीशन पे उन्होंने क्वालिफाई किया था और सेम इसी पोजीशन पे मैच था लेकिन वहां पर भी विजेता घोषित हुए थे टीम एमआरई स्ट्राइकर्स, तो हिस्ट्री इज रिपीटेड वंस अगेन और एक बार फिर से जीत की कगार पर टीम एमआरई स्ट्राइकर्स। देखिए जीतना बहुत जरूरी है यहां पर, क्योंकि जीत ही जीत होती है, अगर आप एक गलती से भी हार जाए तो आपको कोई विजेता नहीं कहेगा, याद हमेशा उसी को रखा जाता है जो जीत के पायदान पर होता है, दूसरी पोजीशन को दुनिया कभी याद नहीं करती, इसलिए तारीख के पन्नों में अगर अपने नाम को अमर करना होगा तो चाहिए कि प्रहार करें और लड़े। इम्मू को देखकर ऐसा लगता है हाशिम मामला ने गेंदबाजी का भार संभाल लिया यहाँ पर, लेकिन इम्मू की तारीफ करना चाहूंगा, यहाँ पर मिड विकेट की जानी यहाँ पर खेल दिया, पापा गेंद के नीचे मौजूद है, हल्की सी मिसफील्ड, उतना ही अच्छा बैकअप दिया यहाँ पर निसार ने, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दो रन मुकम्मल किए पर दोनों ही बैट्समैन ने, और सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई है, ओनली फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड, 5 गेंदे 32 रन। अब यहां से मैच पूरी तरह से एमआरई इस मैच में पकड़ मजबूत बना ली है अपनी और फाइनल की तरफ पहुंच गई है,
पटकी हुई गेंद से कहते हैं बैड लक ऑफ द बैट्समैन। और आपको एक इसी बीच इम्मू भाई की अगली गेंद एक शॉर्ट पिच गेंद थी, बड़ा स्ट्रोक लगाने की कोशिश, जहां पर कैच का मौका बनता हुआ बड़ी आसानी से ले लिया कैच, एंड ये भी हो सकता है विनिंग मोमेंट ऑफ द मैच। मगरिब की अजान होने वाली है 2-3 मिनट में, सो प्लीज थैंक यू डीजे फॉर योर सपोर्ट। एंड मैं आपको एक बता दूं, इतिहास की बात है, सीजन 3 MIPL की विजेता बनी थी टीम सरकार 11, लेकिन इस बार क्वालिफाई नहीं कर पाई नॉकआउट स्टेजेस पर, तो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। हम आशा करते हैं कि नेक्स्ट टाइम दूसरी टीमों को भी मौका मिलेगा और इससे भी बड़ा एक इससे बड़े लेवल का एक टूर्नामेंट हमें देखने मिलेगा। डॉक्टर आसिम आपको जरूरत है विक्स की गोली की, मुझे लगता है खिचखिच हो रही है। मैच इतने एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहे हैं ना कि आवाज ही चले गई। समीर के हर छक्के पे 500 रुपए की इनामी राशि किशोर की जानिब से, दोनों समीर के लिए रिटर्न क्रीज वाला समीर, बल्लेबाज समीर, समीर शेख के लिए, समीर भागू दौड़ लगा के मैं फिर भागू। और इसी के साथ यहां पर धीरे धीरे रंगारंगी कार्यक्रम समाप्त होने की चरण सीमा पर आखिरी गेम। मालगुडी डेज एक सीरियल आया करता था दूरदर्शन पर, उसका एक साउंड होता था जब वो प्रोग्राम स्टार्ट होता था, आपने सुना होगा, आपने बचपन में सुना करते थे दूरदर्शन पर, वो आता था शायद, मैम आपने भी सुना होगा मालगुडी डेज। अभी देखिए ये गेंद होने के बाद वो साउंड आएगा आपको, और ये हुआ ताना ताना ना 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 ताना ताना ना ना ना। तो फॉर्मेलिटीज हो